कल मेरे सामने ही उनकी गिरफ्तारी कर दी, एक फर्जी SC ST एक्ट जो मुकदमा लगा हुआ है, और सरकार ने घेरने की हमें कोशिश की है, प्री प्लांट किया है, और लगातार वो चाहते हैं कि इस अंकिता को न्याय ना मिले और हर तरह से केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमें भले ही इस चौक पे इग्नोर कर रहे होंगे, इनको नहीं पता क्या सैलाब आने वाला है, इनको नहीं पता। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए बीते 8 दिनों से श्रीनगर में लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और आज इस धरने का 9वां दिन है। लोग लगातार यहाँ पर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे हैं और उनके परिजनों को पूरी तरह से सहयोग दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे रहेंगे सरकार को लेकर, कि सरकार से क्या मांग की जा रही है, और बीते 8 दिनों से जो इनका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, इससे किस तरह से अन्य लोगों का सहयोग मिल रहा है, आपसे जानेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष नेगी है। आशीष जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज 9वां दिन है अनिश्चितकालीन धरने का, किस तरह से सहयोग मिल रहा है लोगों का और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे ज्यादा सहयोग हमें सरकार से मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने जो हमारी पैरवी कर रहे थे, जो हमारे पैरोकार थे आशुतोष नेगी, कल मेरे सामने ही उनकी गिरफ्तारी कर दी, एक फर्जी SC ST एक्ट जो मुकदमा लगा हुआ है, और सरकार ने घेरने की हमें कोशिश की है, प्री प्लांट किया है, और लगातार वो चाहते हैं कि इस अंकिता को न्याय ना मिले और हर तरह से केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी समाज में आशुतोष नेगी बनने जा रहा है, किसी का साथ देने जा रहा है, उसको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। हम यहाँ पर DGP अभिनव कुमार के खिलाफ बैठे हैं कि आपने आशुतोष नेगी जो पैरोकार हैं इस केस के, उनकी वाइफ का ट्रांसफर कैसे किया, आशुतोष नेगी का उत्पीड़न कैसे किया, उनके ऊपर फर्जी SC एक्ट मुकदमा लगा के फिर कल उनकी किस तरह से अरेस्टिंग हुई और किस दरिंदगी के साथ पुलिस वाले उनको घसीट रहे थे। कभी आपने देखा कि पुल की तारिया को इस तरह से घसीटते हुए वो लोग, क्योंकि ये पहाड़ विरोधी हो चुकी है ये सरकार। और हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और हमें सहयोग मिल रहा है, जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं जिन्होंने इस उत्तराखंड की कल्पना की थी, वो लोग हमारे साथ हैं, संपूर्ण पहाड़ी स्वाभिमान सेना, अन्य संगठन जो कम्युनिस्ट वर्ग हैं, सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं, कांग्रेसी नेता हमारे साथ दे रहे हैं, सब लोग, पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन हमारे साथ है, पर BJP RSS का एक प्रधान, एक पन्ना प्रमुख, विधायक, सांसद, कोई भी व्यक्ति नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि वो पुलकित आर्य के पक्ष में है और वो नहीं चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले, पर ये अनिश्चितकालीन तब तक धरना तब तक चले रहेगा और ये आज हमें भले ही इस चौक पे इग्नोर कर रहे होंगे, इनको नहीं पता क्या सैलाब।